गोलमाल 5 की कहानी क्या है, क्या है इस फिल्म की खास बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साल 2020 के लिए इस बार कई फिल्मों की लंबी फहरिस्त लगने वाली है। इसमें अजय देवगन की तानाजी से लेकर अक्षय कुमार की सूर्यवंशी शामिल है। इससे तो सभी वाकिफ है कि सूर्यवंशी में निर्देशक रोहित शेट्टी का दमदार एक्शन और कॉमेडी देखने को मिलेगी। साथ ही अजय देवगन और रणवीर सिंह भी इस फिल्म में कैमियो करने वाले हैं, जो कि फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ रोहित शेट्टी ने साल 2020 के लिए एक तगड़ी प्लानिंग कर ली है, जो कि अजय देवगन के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सूर्यवंशी के बाद रोहित शेट्टी का पूरा फोकस केवल गोलमाल 5 में रहेगा। इस साल सिम्बा के सॉन्ग आंख मारे के दौरान गोलमाल 4 की कास्ट को दिखाकर रोहित ने इस बात की तरफ इशारा दिया है कि जल्द ही गोलमाल 5 सबके सामने आएगी। हालांकि इसके लिए फैंस को इस साल का इंतजार करना पड़ेगा। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार पिछले बार जहां हॉरर कॉन्सेप्ट के साथ कॉमेडी का रंग फिल्म में रहा, वहीं इस बार गोलमाल 5 एक दिलचस्प कहानी पर बेस्ड होगी। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू कर दी जाएगी, यानी इतना तो तय है कि स्क्रिप्ट पर काम लगभग हो चुका है। अजय देवगन ने खुद इस बारे में कहा है कि रोहित और मैं गोलमाल की अगली फिल्म बनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये मस्ती भरी और मेरी फेवरेट सीरीज है। वहीं मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार रोहित शेट्टी सिम्बा और सूर्यवंशी बनाने के बाद कॉप ड्रामा फिल्मों को थोड़ा साइड में रखना चाहते हैं। इस वजह से गोलमाल 5 की प्लानिंग तेजी से की जा रही है। आपको बता दें कि सिम्बा की तरह रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी से भी करोड़ों की कमाई की उम्मीद की जा रही है। सूर्यवंशी से रोहित शेट्टी पूरी तरह से सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, जो कि फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बताई जा रही है। इस समय इसकी शूटिंग करने के लिए रणवीर सिंह और अजय देवगन पहले से ही मौजूद हैं। इसी के चलते लार्ज स्केल पर 3 स्टार्स को एक साथ दिखाने की प्लानिंग रोहित शेट्टी ने की है। कुल मिलाकर इस फिल्म का सुपरहिट होना तो तय है। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी ईद 2020 में रिलीज होगी। ये 9वीं ऐसी फिल्म होगी जहां पर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की हिट जोड़ी देखने को मिलेगी। आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।